आइए बच्चों, आज की क्लास में मैं 9th क्लास के हिंदी मीडियम स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा विज्ञान। और विज्ञान के अंदर जब पढ़ाने वाला हूं मैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के लघु प्रश्न। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के लघु प्रश्न। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें पढ़ा रहा उन्हें समझा रहा हूं वो समझ लीजिए, और जिन्होंने कर रखा है वो चेक कर लीजिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की परिभाषा दीजिए। तो बच्चों, कैपिटल जी की जो परिभाषा है वो ये है, दिखाई दे रही होगी आपको। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है। जी का मान वस्तुओं के द्रव्यमान, वस्तुओं की ब्रह्मांड में स्थिति आदि पर निर्भर नहीं करता, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। परिभाषा समझ गए होगे बच्चों। अब चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान मात्रक सहित लिखिए। तो बच्चों याद रखिएगा, कैपिटल जी का मान 6.67 × 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका मान 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब चलते हैं थर्ड प्रश्न पर। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किन किन राशियों पर निर्भर करता है? तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, बोल रहा हूं लिखिए। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान और उनकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अब आते हैं फोर्थ प्रश्न पर। यह लिखा हुआ है, यद्यपि वस्तुएं परस्पर आकर्षित करती हैं परंतु हमें दैनिक जीवन में इसे आकर्षण का अनुभव क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर है बच्चों, वस्तुएं तो परस्पर आकर्षित करती हैं परंतु दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल एक कमजोर बल होता है जिसकी वजह से यह जिसके कारण हमें दैनिक जीवन में इसका अनुभव नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है, गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इस कथन का अर्थ समझाइए। उत्तर होगा बच्चों, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। इसका मतलब समझिए बेटा आप लोग, गुरुत्व त्वरण का मतलब होता है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। किसी पिंड का द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? इस प्रश्न को समझते हैं बेटा, लिखिएगा। तो बच्चों ये आपका द्रव्यमान तथा भार में अंतर, जब द्रव्यमान रखा है दूसरी तरफ भार रखा हुआ है हमने। द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा का परिमाण द्रव्यमान कहलाता है, और भार की में बात करें तो किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। बच्चों द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान बच्चों एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और भार का मात्रक न्यूटन अथवा किलोग्राम भार है। द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप वस्तु का जड़त्व कहलाती है, और जबकि भार द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये था बच्चों द्रव्यमान तथा भार में अंतर। अगले प्रश्न देखते हैं, वो है बच्चों आपको, ऊंट रेत में आसानी से कैसे चल जाता है? तो इसका उत्तर है बच्चों आपका, बच्चों सातवें प्रश्न का आंसर ये है आपका, ऊंट
रेगिस्तान में आसानी से दौड़ पाता है। इसका कारण है कि ऊंट के पैर गद्देदार व चौड़े होते हैं। पैरों के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रफल पर उसके शरीर का पूरा भार पड़ने पर भी दाब कम हो जाता है और उसके पैर रेत में नहीं धंसते। ये था बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न है, चाकू की धार तेज क्यों होती है? तो इसका उत्तर है बच्चों आपका, पहला पॉइंट है, चाकू की धार तेज होने से सब्जियां सरलता से कटती हैं, क्योंकि धार तेज होने से क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब बढ़ जाती है। अब आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। वो बच्चों आपका, लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है बच्चों ये, पानी से भरा हुआ एक बीकर लीजिए और पानी की सतह पर लोहे की कील रखिए। हम देखते हैं कि कील पानी में डूब जाती है क्योंकि कील पर नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान, यहां से लिखेगा, क्योंकि कील पर नीचे की ओर लगने वाला वस्तु का भार, लगने वाला भार का मान पानी द्वारा कील पर लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक होता है, इसलिए कील पानी में तैर जाती है, नहीं डूब जाती है। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? आर्कमिडीज सिद्धांत क्या है? इन दोनों ही प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं आपको देना चाहूंगा, उत्प्लावन बल। यहां समझिए, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु की ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावक बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। फिर समझ लीजिए, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग आर्किमिडीज सिद्धांत की। बच्चों आर्किमिडीज सिद्धांत है आपका, नोट कर लेना, वैसे मैं लिखवा रखा है आपको। जब किसी वस्तु को कि तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है, और इसी को ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं बच्चों लास्ट प्रश्न के ओर। काम होता है कि कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जलियान पानी पर तैरता रहता है। ध्यान दिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, लोहे से बनी हुई कील पानी में डूब जाती है क्योंकि, लिख लीजिएगा इसको, लोहे से बनी हुई कील पानी में डूब जाती है क्योंकि कील के द्वारा लगाया गया भार उसके द्वारा हटाए गए जल से अधिक होता है, इसलिए कील डूब जाती है। जबकि जलयान तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में उपयोगी है। जलयान तथा पनडुब्बी में स्टील की चादरों को मोड़कर इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार जलयान तथा उसमें लदे सामान के भार से काफी अधिक होता है, इसलिए जहाज पानी पर तैर जाता है और कील आपकी पानी में डूब जाती है। यहां से इसको लिखना है। ओके बच्चों, ये थे आज के प्रश्न, नोट कर लीजिए, कल को आते हैं लघु दीर्घ प्रश्न के साथ।